व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासन की ओर से सुनिश्चित करने के संबंध में विचार कर रहे हैं। इस संबंध में कृपया बताना चाहूँगा। इसमें भी प्रयास जारी है और हमने अपने जो हमारा सूचना विभाग है उनसे बातचीत की है, आग्रह किया है कि उसमें वो किस स्तर के पत्रकारों को वो अलाउ करेंगे, उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है उसमें भी हम लोग निर्णय ले लेंगे। कितने सवाल हुए सर? कितना विधायी कार्य सर? हमारे पास 593 प्रश्न माननीय विधायकों के प्राप्त हो चुके हैं और अभी चूंकि ये सिलसिला जारी है, संख्या बढ़ भी सकती है और 5/23 है तो अभी संख्या बढ़ेगी, लेकिन अभी तक 593 प्रश्न में प्राप्त हुए। सर विधायी कार्य का कुछ अभी तक आए हैं सरकार की तरफ से? जानकारी सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन अभी मुझे लगता है, मैंने कहा ना कि शायद एक कैबिनेट की बैठक भी हुई है और उनके आने के बाद मैं आपको इस बारे में बताऊँगा। देखिए 1 मार्च से अपने भराड़ी शहर में अपना बजट सब शुरू हो रहा है, उसको ये जिस प्रकार से सुरक्षा की बैठक हुई और हमारा ये सत्र बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। जहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो हम लोग पूरी तरह से हमारे यहाँ व्यवस्थाएँ 454 हैं वहाँ और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे हमारे कुछ तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ की बैठक हुई है, जिसमें हम लोगों ने तय किया है कि तो जो भी व्यक्ति वहाँ जाएगा उसका RT-PCR टेस्ट हम लोग वहाँ करेंगे और उसमें यदि कोई जिसको वैक्सीन लग गई है दोनों और वो यदि अपने वैक्सीन में लगी है उसकी यदि वो अपना प्रमाण देंगे तो उनको ही जाने देंगे, उसमें सभी के लिए सब लागू होगा। उसके लिए देहरादून के अंदर विधान भवन के अंदर श्रीनगर जो रास्ते में है और विधान परिसर में भी ये व्यवस्थाएँ इस साइड में और उधर कुमायूं साइड में भी जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं जिले के वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। जो माननीय विधायक और अन्य लोग जो आएंगे उनका RT-PCR टेस्ट होगा। इसके साथ साथ जैसा चूँकि अभी आप सब जानते हैं कि कोरोना का भी कार्यक्रम चल रहा है, कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, हालांकि मैं ये कहने को भी तैयार हूँ कि हमारे उत्तराखंड यानी हमारे प्रदेश के अंदर बहुत नियंत्रित है, अभी ये स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन वो भी हमें एहतियात रखना है। उसको लेके अभी हमने जो हमारी दर्शक दीर्घा है, दूसरी दीर्घा है, उस पर आगंतुकों के लिए अभी इनको नहीं आने की सलाह दी है, यानी कि हम उनको सलाह दे रहे हैं कि वो ना आए, यानी कि हम उस पर उनको एंट्री नहीं देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे आगंतुक होंगे उसमें थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर वो पूरी तरह से होगा और सिटिंग अरेंजमेंट चूँकि आप समझ सकते हैं कि हमारे राणी सैंड के अंदर तो सफिशियंट स्पेस है, तो वहाँ पे हालांकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे ही, लेकिन तो भी हमें वहाँ कोई दिक्कत तो उस प्रकार से नहीं आएगी। जैसे हम लोग देहरादून में आप देखें कि हमने दर्शन दरगाह में भी और दूसरी जगह बैठने की व्यवस्था की थी, तो वहाँ पर शायद हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो हमारे सुरक्षा की दृष्टि से हैं, विद्युत की दृष्टि से हैं, पानी की दृष्टि से हैं, वाईफाई के विषय है, ये सारे बिंदुओं पर हमने बहुत बारीकी से विचार किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे जो हमारे बिंदु हमने यहाँ तय किए हैं निश्चित रूप से आने वाले टाइम पर हमारा ये जो सत्र है ये पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न होगा और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग इसमें हमें सहयोग प्रदान करेंगे। मोटी मोटी बात ही हमारे वहाँ पे आज के उनको वहाँ से प्रश्न हम लोग ले जाते हैं। उनका ध्यान रखा बड़ा